नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ मेघा जैन। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। देखिए, देश में दो विचारधारा चल रही हैं, एक तो गोडसे की विचारधारा है और एक गांधी जी की विचारधारा है। कल का जो दृश्य पूरे देश ने देखा यूपी में, जिस तरीके से राहुल गांधी को धक्का दिया गया, जिस तरीके से लाठियां बरसाई गई सब लोगों पर, और एक दलित युवती को रातों रात हिंदू धर्म का अपमान करके रात की 2 बजे उसका दाह संस्कार कर दिया जाता है, और उसके बाद जब वो बात सामने आती है सबके, तो रिपोर्ट में दर्शाया जाता है कि रेप नहीं हुआ था। योगी सरकार सीधे सीधे गोडसेवादी विचारधारा पे काम कर रही है और कांग्रेस को और प्रदेश की जनता को, देश की जनता को कुचलना चाहती है, जिसका लगातार विरोध पूरे मध्य प्रदेश के साथ पूरे देश में किया जाएगा, क्योंकि ये वो विचारधारा है जिसने गांधी जी को समाप्त करा था। आज गांधी जयंती है, गांधी जयंती पर सच्ची शपथ यही होगी कि देश से पहले अंग्रेजों को उखाड़ के फेंका था, अब ये जो केंद्र सरकार और जो योगी सरकार है और जो मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार है, इसको उखाड़ के फेंकना। हिंदुस्तान का एक ऐसा वीर सपूत जिसको पूरे वर्ल्ड पर नाज है, जिन्होंने अहिंसा के माध्यम से भगवान महावीर के सिद्धांतों को लेकर के अहिंसा अपरिग्रह के माध्यम से इस हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई, जहाँ हजारों वर्षों से हिंदुस्तान गुलाम था, लेकिन एक लाठी के दम पर उन्होंने सबको हड़का दिया। एक लाठी में बहुत दम है और लाठी विभिन्न वस्तुओं से बनती है जो एक ताकत बन जाती है। देश की आज़ादी का हम बहुत ही खुली सांस में इस देश में आज़ादी के रूप में रह रहे हैं, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने, कुछ देश विरोधी ताकतों ने जिस प्रकार से वर्तमान में हिंदुस्तान को सांप्रदायिकता की एक अराजकता में धकेल दिया है, और जिस प्रकार का वातावरण चल रहा है राष्ट्रीयता राष्ट्रीयता के नाम पर, ये हिंदुस्तान के लिए घातक है। हिंदुस्तान ने सदैव सर्वधर्म का सम्मान किया है, तो मेरा तो जो भी प्रशासक शासक रहे, एक निवेदन रहता है कि आप हिंदुस्तान को एक नज़र से देखो, हिंदुस्तान को टुकड़े में मत बांटो। हमारे महान सपूत, हम सबके आदर्श और पूरे विश्व के आदर्श कहे जाने वाले हमारे गांधी जी, जो एक बहुत ही अहिंसावादी, इस देश के अंदर अहिंसा का उन्होंने संदेश दिया और एक लाठी से अंग्रेजों को खदेड़ दिया। हम आज उन्हीं के अनुसार हम अनुसरण कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही समय पूर्व से हमारे देश में गांधी जी के आदर्शों को लोग सांप्रदायिक के नाम पे उनको क्षति पहुंचा रहे हैं। मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता, पूरे हमारे शहर की जनता, शहरवासियों को मैं गांधी जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूं, और उन जो सांप्रदायिक ताकतों के साथ वो चल रहे हैं, उनको सद्बुद्धि दे, ईश्वर से ही कामना करता हूं। देखिए, आप सभी से मैं प्रश्न करना चाहती हूं, पूरे भारतवर्ष के लोगों से, कि आखिर कब तक बच्चियों पे अन्याय होता रहेगा? बच्ची घर में भी सुरक्षित नहीं है, बाहर भी सुरक्षित नहीं है। आप हम सब लोग बोलते हैं बच्ची पढ़ाओ, बच्ची को स्वावलंबी बनाओ, सशक्त बनाओ, कहाँ से बच्चे सशक्त बनेगी? जिस तरह का निर्भया कांड हुआ था, उसके बाद लग रहा था कि इस तरह की घटनाएं रुक जाएंगी, परंतु फिर दलित बच्ची पे अन्याय। और हम बच्ची, हमारे लिए बच्ची है वो, चाहे किसी जाति धर्म की हो, परंतु जो बच्चियों पर अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आज हम पूरे समाज के सारे लोग यहाँ पर अम्बेडकर जी के चरणों पर खड़े हैं, और जैसा उन्होंने देश की कल्पना की थी, वो कल्पना आज कहीं अलग दिख रही है। एक प्यार प्रेम का जो सद्भावना का जो एक वातावरण था, वो सब खत्म हो चुका है, और समानता का अधिकार खत्म हो गया, और बच्चियों पे जो अत्याचार हो रहा है, और इस तरह की घटना की जीभ काट ले रहे हैं, कमर तोड़ ले रहे हैं, पैर तोड़ दे रहे हैं, क्या घटनाएं हैं ये? तो इसके विरोध में आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। दोषियों को तो सजा मिलना चाहिए, परंतु अपराधों पर भी अंकुश लगना चाहिए, चाहे वो किसी भी राज्य में हो। ऐसा नहीं कि इस राज्य में हो रहा है तो सरकार किसकी है। सरकारों को बच्चियों की जवाबदारी लेना चाहिए, उनकी मजबूती के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनका संरक्षण संवर्धन की सारी जवाबदारी सरकारों की होती है, सरकार को लेना चाहिए। आज उसी के सबके विरोध में हम लोग यहाँ बैठे हैं कि इस तरह दलित बच्ची पे अन्याय हो रहा है। तो हमारे सभी दलित समाज के भी सब वरिष्ठ हमारे यहाँ पर पंचायतों के सारे लोग उपस्थित हैं, अन्य समाज के भी लोग उपस्थित हैं। आज हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो, और जो सरकार इसके लिए दोषी है उस पर भी कार्रवाई हो। गांधी जयंती तो एक हमारे लिए ऐसा पर्व होता है कि विश्व में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने अहिंसा के रहते हुए हमारे भारत को स्वतंत्रता दिलाई है। गांधी जी के आदर्शों, गांधी जी के विचारों को देख के भारत ही नहीं, अफ्रीका में भी आंदोलन हुए थे और वहाँ पे भी स्वतंत्रता प्राप्त की अफ्रीका ने भी। गांधी जी एक ऐसा हार्ड मास है,
जिस प्रकार से लोगों कहते हैं कि राम कृष्ण अवतार हुए, मैं समझता हूँ कि आज के युग के अवतार महात्मा गांधी है। हाँ, गांधी, सबसे पहले तो मैं गांधी जी के चरणों में नमन करता हूँ। गांधी जी की एक विचारधारा थी कि इस देश में अत्याचार बंद हो, देश खुशहाल बने और महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं का विशेष तौर पर ध्यान दिया जाए। बाकी आज माहौल कुछ और है। इस देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, वही भारतीय जनता पार्टी की शासन आया, जब जब महिलाओं के अत्याचार बढ़े। आज देश में किसी भी प्रदेश का इतिहास उठा के देख लो, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ सबसे ज़्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार जैसी घटनाएँ हुई है और महिलाओं को जिंदा जला दिया गया है। यही हाथरस की एक बहुत बड़ी घटना है। जो वाल्मीकि समाज की बेटी है जिसने अपने खुद के बयान दिए कि मेरे साथ बलात्कार हुआ, मेरे साथ मारपीट करी, मेरे को मारा गया, और उसके बाद उसके बयान के बाद भी उस दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज नहीं होती है और रातों रात उस बेटी के शव को जला दिया जाता है। और ये हिंदू रीति रिवाज में कभी ऐसा नहीं हुआ कि रात में कोई शव जलाया गया। उस बेटी के परिवार को और उस गाँव के लोगों को बंदी बनाकर उस महिला को, जो माँ है जो अपनी बेटी का शव तक नहीं देख पाई, उस महिला के साथ आज इतनी बड़ी घटना घटित हो गई है। ये शर्म की बात है। नरेंद्र मोदी जी और योगी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। महिला का सम्मान नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को सख्त से सख्त पहले फुर्सत में इस्तीफा देना चाहिए। आज पूज्य महात्मा गांधी की जयंती है और वो महात्मा गांधी जिसने अपना बहुत सारा समय दिल्ली के बापूधाम कॉलोनी, जो वाल्मीकि समाज की कॉलोनी है, उसमें उन्होंने बिताया है। पूज्य महात्मा गांधी वाल्मीकि समाज के जो सफाई कामगार वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए पूजा के योग हैं, श्रद्धेय हैं, उनको अपना इष्ट और देवता भी मानते हैं हमारे वर्ग के लोग। लेकिन बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस गांधी के इस भारत में, गांधी ने जहाँ वाल्मीकि समाज की माता बहनों और लोगों को सम्मान दिया, उसी देश में आज एक उत्तर प्रदेश के अंदर एक वाल्मीकि समाज की महिला, एक लड़की मनीषा वाल्मीकि के साथ रेप होता है, उसका अंधेरी रात में उसको जला दिया जाता है, और उसके न्याय करने वाले जो लोग हैं, उनके न्याय की मांग करने वाले जो लोग हैं, उनको पुलिस धक्का दे करके उनको उठा के बंद करके ले जाती है। आज हमें गांधी जी की इस जयंती पर आकर के इंदौर नगर अंशांती निगम कर्मचारी कामगार संघ के लोग, वाल्मीकि समाज के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और पुष्पमाला चढ़ाई है। लेकिन हमने ये भी किया है कि प्रभु उनको सद्बुद्धि देना, उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी है।